सेल्फी लेने गए ब्यास नदी में डूबे दो स्कूली छात्रों में से एक की लाश लगभग 48 घंटे बाद मिल गई है। एनडीआरएफ की टीम ने पिछले 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। अन्य छात्रों के बताए हुए अनुसार डूबे हुए छात्रों को ढूंढा गया। वहीं नदी के उसी दायरे में एक छात्र आयुष की लाश गोताखोर को चट्टान के बीच में फंसी हुई मिली। आयुष अपने ननिहाल धरोहर गांव गरली में रहता था और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरली में ही पढ़ता था। आयुष के घर ऊना जिला के अम्ब पोलिया परोता में है। परिवार सहित पूरा गांव बीते 3 दिनों से सदमे में, जबकि कटियाड़ा के अंशुल के शव को अभी भी एनडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर अशोक ने बताया कि रविवार से छात्रों के शवों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन 48 घंटे बाद एक छात्र आयुष का शव ब्यास नदी से निकाला है, जो कि चट्टान में फंसा हुआ था, जबकि दूसरे शव को अभी भी टीम व गोताखोर ढूंढ रही है। डीएसपी धीरंकित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गरली स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्र बीते शनिवार को ब्यास नदी में डूबे थे, जिनमें से एक छात्र आयुष का शव मिला है, जो कि अपने ननिहाल गरली में रहता था। सर, फर्स्ट पहले तो हम बिना किसी लाइव जो विक्टिम्स थे उसको जिन्होंने देखा नहीं था, किसी के हमें ओनली सस्पेंस के तौर पर ही खोज कर रहे थे, पर जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पर ही हैं, तो फिर हमने एक बार दोबारा पहले प्रेशर क्रिएट किया, पर उसमें क्या है कि बीच में दरारें होने के तो युवक का जो बॉडी थी वहाँ फंसी हुई थी, तो उससे प्रेशर क्रिएट करने पर वो बाहर नहीं निकली। फिर जब हमारे डीप डाइवर्स गए तो उन्होंने वहाँ से लगभग 25 फीट नीचे, क्योंकि कहीं पर तो बहुत ऊंचा है, कहीं पर अचानक दरार हो सकता है कि कैसे उसके साथ अनहोनी हुई, उसका तो खैर वो ही जानता है, अब उसके बारे में नहीं कह सकते। तो हमें तो यही है कि अचानक जब आते हैं, जैसे पत्थर नीचे ही आती है, तो अचानक उसके जाने से उसकी वो फसल यहाँ पर कोई पानी का भंवर बनता है तो वो नहीं निकल पाता। अभी देखते हैं, दोबारा वहीं पर सर्च अभियान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत दरार है, उनमें एक बार प्रेस पूरे में देख के बार देखते हैं। आंखों देखा हाल बता रहे हैं, इनके साथी थे, उन्होंने बताया, उससे तो थोड़ा दूर में मिले हैं, उन्होंने थोड़ा दूर बताया था, क्योंकि जो बॉडी जब फ्लोर उसके पानी के बहाव के साथ आई तो कहीं ना कहीं वो टकराई है और उन सपड़ के अंदर फंस गई थी। सबसे मेन तो कहीं भी जाएं तो जहां नोन जगह हो वहीं जाएं, और जहां कोई ऐसे लाइफ सेविंग डिवाइस वगैरह हो, तो मैंने आपसे एक बार पहले भी मैं आपसे मिल चुका हूं, तो मैंने फिर भी आपसे बोला था कि कम से कम आप परचेज नहीं कर सकते तो कम से कम लाइफ सेविंग डिवाइस जो इम्प्रूवमेंट डिवाइस होती है उनका यूज करें, जैसे कि आप खाली ट्यूब होते हैं तो उनमें एयर भर के उनसे करें, या फिर वैसे तो ऐसी जगह पर जाएं ही नहीं सबसे फर्स्ट बात, तो फिर भी आप जाते हो तो जैसे लाइफ सेविंग ट्यूब से, और ऐसे जो ये जगह थी इसमें क्या पानी पूरा घुमा रहा है, तो ऐसी जगह पर तो स्विमर भी इसमें फंस सकता है, ऐसा नहीं कि स्विमर इसमें निकल सकता, तो ये तो नॉन स्विमर थे तो इनका तो बचना वैसे ही ऐसी जगह पर मुश्किल था, और जो इसमें ऐसी जगह पर तो हमने कई बार स्विमरों को फंसते हुए हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें कई ऐसे ऑपरेशन भी किए, तो यही है कि ऐसी जगह पर बचे दूरी। यहाँ पे गरली सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बॉयज का, वहाँ के कुछ छात्र यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे अपना घूमने गए थे और सेल्फी लेने के दौरान पहले एक लड़के की जो है पानी में गिरा, दूसरा व्यक्ति उसको बचाने की कोशिश में उसने भी छलांग लगा दी और जो है बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था और दोनों की उसमें डूबने से मौत हो गई। उसके उपरांत हमने जो है एक अपनी सर्च टीम और साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है उनको जो है इसके बारे में बताया था और एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे आके सर्च ऑपरेशन शुरू किया, हमारे पुलिस के मुलाजिम भी उनके साथ थे। आज एक डेड बॉडी जो है आयुष की, वो रिकवर हो चुकी है, 16 साल उसकी उम्र है और डेड बॉडी को अभी हमने डेरा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी जो डेड बॉडी है अभी उसकी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।